इंदौर में 1.5 साल पहले इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने पड़ताल शुरू की है। एफबीआई के अधिकारियों ने डीसीपी निमेश अग्रवाल से करीब 25 मिनट फोन पर चर्चा कर जानकारी ली है। दरअसल इस मामले में विजयनगर और लसूड़िया पुलिस ने इंटरनेशनल कॉल के जरिए धोखाधड़ी करने वाले करीब 23 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक की मौत और 19 लोगों को जमानत मिल गई है। डीसीपी क्राइम निमेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने आरोपियों का रिकॉर्ड मांगा है और जल्द ही अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करेगी। सीबीआई के माध्यम से हमारा अभी कुछ दिन पहले एफबीआई से संपर्क हुआ था और जो यहां पे नवंबर 2020 में एक फर्जी कॉल सेंटर जो पकड़ा गया था, जिसके माध्यम से बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन को के साथ फ्रॉड किया जा रहा था, उस केस के संबंध में हमारी उसमें उनसे चर्चा हुई है और इस केस में कुछ जो और एविडेंसेस हैं और कुछ और फरियार लोग जो हैं उनके संबंध में भी उनसे चर्चा हुई है। तो पूरी एक मॉडलिटी उनसे डिस्कस हुई है कि कैसे हम इस केस को आगे पूरा कंप्लीट करते हुए और इसमें सजा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सर,